आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ लव लैब की स्पोर्ट्स कार सीट का रिव्यू। मेरे बाजू में रखी हुई है कार सीट जो कि लव लैब की तरफ से है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके बच्चों के लिए कार सीट की क्या इंपॉर्टेंस होती है। जब भी आप अपने बच्चों के साथ में ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको कार सीट क्यों यूज करनी चाहिए, फटाफट से हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मॉम किड एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कार सीट को चाइल्ड सेफ्टी सीट भी कहा जाता है क्योंकि ये बच्चों की सेफ्टी के लिए बनाई जाती है। कार सीट का मेन पर्पज होता है बच्चों की सेफ्टी जब भी आप कार से ट्रेवल कर रहे होते हैं। जो कार सीट होती है उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है बच्चे की सेफ्टी भी रहे या बच्चे को काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी रहे। देखिए, होता यह है कि जो हमारी कार्स में सीट बेल्ट होती हैं वो अडल्ट के लिए होती हैं, बच्चों के लिए नहीं होती हैं। जब भी आप जो अडल्ट वाली सीट बेल्ट होती हैं जो कार में आती हैं आप वो लगाते हैं तो बच्चे की सेफ्टी किसी भी एंगल से नहीं होती और बच्चे को काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि वो बड़ों की बॉडी के स्ट्रक्चर के टाइप से डिजाइन की जाती है। इसीलिए बच्चों की सेफ्टी के लिए कार सीट ज्यादा जरूरी है। कितने सारे डेवलप्ड ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे आप बच्चे को अगर कार से ट्रेवल करा रहे हैं तो आपको कार सीट मैंडेटरी ही लेना पड़ेगा और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहता है। और इसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि अगर आपको अकेले ट्रेवल करना है, अकेले कहीं जाना है, तो आप बच्चे को कार सीट में अच्छे से सिक्योरली बिठा सकते हैं बैक सीट पे और आप ड्राइव करके लेके जा सकते हैं। तो ये भी काफी आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आपको किसी का वेट नहीं करना पड़ता। अगर आपको कहीं जाना है, कुछ काम करना है तो आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने टाइम के अकॉर्डिंगली वो काम कर सकते हैं और बच्चे की सेफ्टी भी रहेगी। 2 साल तक बच्चों की जो बोन्स होती हैं वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होती हैं, बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो जाता है और उनको टाइम लगता है हील होने में। तो इसीलिए बच्चों को चोट ना लगे इसका आपको विशेष ध्यान देना होता है। बात करती हूँ मैं आपको इस लव लैब की कार सीट के बारे में। आप इसको 0 मंथ से लेकर के 4 साल तक के बच्चे के लिए यूज कर सकते हैं। लव लैब की स्पोर्ट्स कार सीट में आपको 5 पॉइंट का सेफ्टी हार्नेस मिलता है, मतलब सीट बेल्ट के थ्रू बच्चा 5 पॉइंट से अच्छे से सिक्योर रहता है जो कि बच्चे की सेफ्टी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। और आप देख रहे हैं कि इसकी हाइट भी थोड़ी ज्यादा रहती है तो बच्चे बाहर का जो व्यू है वो अच्छे से इंजॉय कर पाते हैं। वैसे क्या होता है, जब आप बच्चे को सीट पर बिठाते हैं तो बच्चा काफी नीचे होता है तो बच्चे को अच्छे से व्यू नहीं दिखाई देता, तो वो पूरा जो ट्रेवलिंग टाइम है या तो उसको इंजॉय नहीं करता, फिर बच्चे को कार सिकनेस वगैरह भी होने लगती है। अगर बच्चे की हाइट अच्छे से होती है तो वो व्यू को भी इंजॉय कर पाता है, पूरे ट्रिप को इंजॉय कर पाता है। बहुत जगह ये देखा गया कि बच्चे का जो कार सिकनेस का प्रॉब्लम है, मोशन सिकनेस का जो प्रॉब्लम है, वो भी काफी हद तक कम हो जाता है। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके से कुशनिंग दी गई है। बच्चे जनरली ट्रेवल करते वक्त सो जाते हैं तो बच्चे अगर सो जाएंगे तो बच्चों को साइड में कुशन अच्छे से मिल जाएगा तो बच्चे आराम से कंफर्टेबल होकर सो सकते हैं। बीच बीच में स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं या ब्रेक लगाना पड़ता है तो बच्चों को झटका नहीं लगता है, तो फिर स्पीड ब्रेकर्स हुए या ब्रेक लगाने पर बच्चों को बिल्कुल चोट नहीं लगेगी। और अगर कोई अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट भी होता है तो भी बच्चों को ना के बराबर चोट आएगी या बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसीलिए जो कार सीट है वो आपके लिए अटमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे की सेफ्टी के लिए, जिससे आप इसकी रेक्लाइनिंग पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर बेबी का एज कितना है उसके अकॉर्डिंगली आप इसका रेक्लाइनिंग चेंज कर सकते हैं। और लव लैब के हर प्रोडक्ट की तरह ये भी यूरोपियन सर्टिफाइड है, विच मींस कि इसमें सेफ्टी का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। ये कन्वर्टेबल है जिसका मतलब ये है अगर आपके बच्चे का वेट 13 kg से कम है तो आप इसको इन्फेंट कार सीट के जैसा यूज कर सकते हैं, और अगर आपका बच्चे का वेट 13 से ऊपर है अप टू 18-20 kg तब आप इसको नॉर्मल कार सीट जैसे यूज कर सकते हैं। जब आप इसको इन्फेंट वाला कार सीट जैसा यूज करेंगे तब इसका जो फेस है वो बैक साइड में रहेगा, मतलब जैसे कि मैं आपको क्लिप्स में दिखा रही हूँ, और जब आप इसको नॉर्मल कार सीट जैसे यूज करेंगे तो जैसे बाकी के लोग अडल्ट्स बैठते हैं उसी साइड में इसका फेस करके आप रखेंगे। गाइस, जब भी आप इस कार सीट को कार में फिक्स करेंगे तो कार में जो अवेलेबल सीट बेल्ट हैं उनके थ्रू आपको इसको टाई अप करना है जिससे कि ये कार सीट बिल्कुल भी हिलेगी डुलेगी नहीं। इसमें लूप्स दिए हुए हैं जिसके थ्रू आपको कार सीट बांधना है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे रही हूँ जो कि लव लैब की तरफ से है, जिसमें डिटेल में बताया गया कि आपको कार सीट को अपनी कार में किस तरह से इंस्टॉल करना है। चाहे आप रियर व्यू वाला कार सीट असेट कर रहे हैं या फिर नॉर्मल बड़े बच्चों के लिए, आपको कार की जो बेल्ट्स हैं, सीट बेल्ट्स हैं, उनके थ्रू आपको कार सीट को जरूर टाई अप करना है। आप इस कार सीट की बेल्ट्स को लूज और टाइट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड एज। यहाँ पे एक बटन है, इसको आप पुश करेंगे तो आप इसकी स्ट्रैप्स को, सीट बेल्ट्स को लूज कर सकते हैं। और ये जो ब्लैक कलर का आपको एक एक्सिस में स्ट्रैप लटका हुआ दिखेगा, इसको जब आप खींचेंगे तो सीट बेल्ट्स को आप टाइट कर सकते हैं और अपने बच्चे के सीट बेल्ट्स को सिक्योरली एडजस्ट कर सकते हैं।
कार सीट का जो हेडरेस्ट है उसकी हाइट भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। जब आपके बच्चे की हाइट बढ़ती जाए वैसे वैसे आप इसको ऊपर की तरफ खिसका सकते हैं, यहाँ पे इजीली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस कार सीट में एक और बहुत अच्छा फीचर है कि इसका जो कुशन है, जो ऊपर का कवर है इस कार सीट का, उसको इजीली आप रिमूव कर सकते हैं। जब भी आपको लगे बहुत गंदा हो गया, इसको रिमूव कीजिए, वॉश कीजिए और वापस से आप इसको लगा सकते हैं। बहुत आराम से आप इसको क्लीन कर सकते हैं और इसको रिमूव करना और वापस लगाना काफी आसान है। इस कार सीट में 5-पॉइंट हार्नेस भी है, विच मीन्स कि आपका बच्चा अच्छे से ये सीट बेल्ट के थ्रू अच्छे से सिक्योर रहेगा, बिल्कुल भी कोई चोट लगने का चांसेस ही नहीं है। 2 बेल्ट्स जो है वो शोल्डर के ऊपर से आ रही हैं, 2 बेल्ट्स जो है वो आपके बच्चे के कमर के साइड से आएंगी और एक जो है वो पैरों के बीच में से आएगी, जिससे कि बच्चा बिल्कुल भी गिरने का चांस नहीं रहेगा। और दोस्तों इसकी कुशनिंग भी काफी ज्यादा सॉफ्ट है, अगर आप लंबा ट्रेवल कर रहे हैं तो बच्चे को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, कोई तरीके की किसी भी तरीके की बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको कार सीट हमेशा यूज करनी चाहिए बच्चों की सेफ्टी के लिए। तो लवलैप की जो कार सीट है वो आपको Amazon पे और लवलैप पे दोनों पे ही अवेलेबल है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूं, आप जरूर वहां से जाके चेक करें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल मॉम किड एक्सप्रेस को जरूर सब्सक्राइब करें।